फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ एक खांडवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं बची हुई रोटियों के साथ बनाऊंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और इन्हें बनाना भी आसान है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेफ्ट ओवर रोटी के साथ खांडवे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये रात की बची हुई 4 रोटियाँ, 100 ग्राम के करीब बेसन, 2 मीडियम साइज के आलू उबले हुए और जिसे मैंने छीला हुआ है, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच हरी मटर के दाने, ये फ्रोजन मटर है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 क्यूब मैंने पनीर लिया है, ये ऑप्शनल है, थोड़े से करी पत्ते और 1 नींबू का रस, नमक टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच और चौथाई छोटी चम्मच मैंने हल्दी ली है और चौथाई छोटी चम्मच मैंने जीरा लिया है। और यूज़ करेंगे हम थोड़ा सा बूरा या पिसी हुई चीनी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम ये मटर कर लेंगे और मटर को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हमें इसमें मटर का दाना नहीं चाहिए, आप अच्छी तरह मैश कर लें। और मटर के बाद हम इसमें आलू डालेंगे और आलूओं को भी अच्छी तरह मैश कर लेंगे। और आलूओं के बाद ये प्याज, कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और जरा सी मिर्ची रोक कर सारी मिर्ची हम इसमें डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए, मैंने ये आलू का एकदम अच्छी तरह मैश करके पेस्ट बना लिया है। अब हम एक और चौड़ा बर्तन लेंगे और ये जो हमने बेसन लिया था ये इसमें डाल देंगे, नमक डालेंगे और बिल्कुल 1 चम्मच हम तेल डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और ये जो हमने मिर्चें रोकी थी ये भी डाल देंगे, हरी मिर्चें, और पानी डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। और ये जो हल्दी है ये भी हम इसी में डाल देंगे। हमें जैसा पकौड़ियों का घोल रखते हैं उससे थोड़ा गाढ़ा घोल चाहिए। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे। और अब ये जो हमारी रात की बची हुई रोटियां थी इन्हें हम इस तरीके से फैला लेंगे। और अगर आप खांडवी को हल्का मीठा टच देना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इस पर बिल्कुल आधा आधा चम्मच मीठी चटनी लगा दीजिए। ये 4 रोटियों पर मैंने मीठी चटनी लगा ली है। और अब ये जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था इसे हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर इन रोटियों पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। हमें इस पर बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं फैलाना है, एकदम पतला पतला फैलाना है। ये 4 रोटियों पर मैंने आलू का एकदम पतला पेस्ट लगा लिया है। और अब हम इस पर ये जो मेरे पास पनीर है ये थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। ये 4 रोटियों पर मैंने ये पनीर भी लगा लिया है। और अब हम एक एक रोटी को इस तरीके से उठाते हुए गोल गोल घुमाएंगे। और इसी बीच मैंने एक कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दिया है और पानी उबलने लगा है। और एक चन्नी को मैंने अच्छी तरह चिकनाई लगाकर चिकना कर लिया है। ये चन्नी हम पानी के ऊपर रख देंगे। और ये जो हमने बेसन का घोल बनाया था इसमें रोटी को इस तरीके से डालकर और हम अच्छी तरह इस पर बेसन से कवर कर लेंगे। और आप
देखिए कि चलनी के ऊपर भाप आने लगी है और हमने ये जो रोटी है इसे उठाएंगे और इस तरीके से रख देंगे और हल्का सा बेसन हम हाथ से लेकर इसके ऊपर लगा देंगे जिससे कि थोड़ा मोटा हो जाए और इसी तरीके से मैं बाकी की रोटियां रख लूँगी। ये मैंने रोटियां छलनी पे रख दी हैं और जो एक्स्ट्रा बेसन था वो रोटियों के ऊपर ही डाल दिया है और अब हम इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम हम तेज़ ही रखेंगे और इसे हम 7 से 8 मिनट तक तेज़ आँच पर पकने देंगे। और अब करीब 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं कि हमारी खांडवी पकी है या अभी नहीं पकी है। आप देखिए इस पे हाथ पे बिल्कुल बेसन नहीं आ रहा है और ये एकदम सूख गया है यानी कि हमारी खांडवी पक चुकी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये खांडवी ठंडी हो गई है और मैंने इसे छलनी से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके पीस कर लेंगे इस तरीके से। ज़्यादा पतले पीस ना करें वरना ये बिखर जाएगी। ये मैंने सभी खांडवियों के पीस कर लिए हैं। आप इसे ज़्यादा पतला ना करें और नाइफ आपका तेज़ होना चाहिए। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और जैसे ही रिफाइंड गर्म होता है हम इसमें ये राई जीरा ये करी पत्ता, ज़रा सा हल्दी पाउडर और इसके बाद में हमने ये जो खांडवी बनाई थी ये इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से इसे भूनेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से भूनेंगे जिससे खांडवी टूटे नहीं। और इसी समय हम इसमें ये बूरा डाल देंगे। हमने अंदर सॉल्ट भी डाला था इस बात का आप ध्यान रखें और थोड़ा सा नमक और बस इसे हल्का सा चलाकर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस ये खांडवी हमारी भून चुकी है, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। और देखिए ये हमारी खांडवी अब सर्व करने के लिए तैयार है। अब ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। हरा धनिया और गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे, ये ऑप्शनल है। और देखिए बची हुई रोटी से हमारी कितनी टेस्टी खांडवी बनकर तैयार है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज कमेंट करें। बची हुई रोटियों की ये स्टफ खांडवी बनकर तैयार है। ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो ये खाने में भी बहुत अच्छी है। सब्जियों की स्टफिंग आप अपने मन से कर सकते हैं, मैं आलू प्याज और पनीर की कर रही हूँ। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।